हाय वेलकम टू अनदर वीडियो, दिस इज़ पवन एंड यू आर वॉचिंग आई एम इंडियन। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे ATS होमक्राफ्ट हैप्पी ट्रेल। ये सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट का एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जो नियरिंग पोजेशन है। सो ऑलमोस्ट 3 साल के अंदर इसके अंदर आपने रेगुलर अपडेट्स देखी, बट ये इस प्रोजेक्ट का फाइनल वीडियो है बिकॉज सुपर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जितने भी टावर्स हैं सबका कंप्लीट हो चुका है। एमिनिटीज़ में सेंट्रल लैंडस्केपिंग और क्लब हाउस का स्ट्रक्चर कंप्लीट है। दिस इज़ कॉल्ड सेक्टर 10। प्रोजेक्ट के बिल्कुल ठीक सामने ये जो अभी आप ओपन स्पेस देख रहे हैं, दिस इज़ द कमर्शियल पोर्शन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। इसके बाद सर्विस लेन है, देन ग्रीन बेल्ट, और उसके बाद आगे है 130 मीटर रोड। टिक का आप देख सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी है, बिल्कुल फ्रंट में है सबसे छोटे वाले साइज़ 2+ स्टडी। इसके बाद बिल्कुल ठीक सामने जो आप यूनिट्स देख रहे हैं, 2016-25 1385 स्क्वायर फीट की यूनिट्स। कमर्शियल इसका ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है, सेंट्रल लैंडस्केपिंग कंप्लीट है, और इसके बाद क्लब हाउस का स्ट्रक्चर कंप्लीट है। एमिनिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी डेवलप होनी बाकी है, बट दैट विल गेट डेवलप ग्रेजुअली। प्रोजेक्ट के अंदर अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सो ये होमक्राफ्ट का पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था। 2+ स्टडी इसका स्टार्टिंग साइज़ था। इसके बाद 3+ स्टडी में यहाँ 2 ऑप्शंस थे, 1385 और 1625। ₹1625 के अंदर एक ड्यूअल एडवांटेज ये थी, इतने भी फ्लैट्स थे वो सारे 2 साइड ओपन थे, तो उनको इंटरनल ग्रीन और जो एक्सटर्नल रोड या फिर दूसरी साइड का व्यू है वो मिल रहा था। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी थी। प्रोजेक्ट में अप्रिसिएशन बहुत अच्छा आया है बिकॉज अगर आप इसको जब लॉन्चिंग प्राइस है उससे कंपेयर करें तो 3900 के आसपास प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, और आज के टाइम पर अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 7000 रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव इसका प्राइस आ जाता है। सेक्टर 10 के अंदर बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जो नियरिंग पोजीशन है। सो इस सीरीज़ की शुरुआत बेशक हमने ATS से करी है, बट इस सीरीज़ के अंदर आगे आप अफोर्डेबल हाउसिंग के सेक्टर 10 और 12 के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट देखेंगे। इसमें से कुछ प्रोजेक्ट हैं जो नियरिंग पोजीशन है, जैसे कोको काउंटी, अरिहंत अबोड, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टक प्रोजेक्ट्स थे जिनको टेक ओवर कराए किसी डिफरेंट फर्म ने, जैसे सिक्का का एक पीछे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। बाकी इसी सेक्टर के जस्ट ऑपोजिट सेक्टर 12 में कुछ अपकमिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। सो ये सारे अपडेट्स आप देखेंगे इस सीरीज़ के अंदर आगे। आई होप जिन जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करा है उनको उनका घर जल्द से जल्द मिले, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने सही टाइम पर सही डिसीजन ले लिया वो आज के टाइम पर बहुत अच्छे प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं, चाहे वो एंड यूज़ के तौर पर हो या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पर। बिकॉज आज के टाइम पर भी बहुत सारे लोग ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं। ब्रांड के पीछे भागना चाहिए, बट इवेंचुअली आपका जो प्राइमरी गोल है वो होना चाहिए अ रूफ ओवर योर हेड, नॉट जस्ट द ब्रांड। बिकॉज ब्रांड के साथ आपको एक रिलायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी का जो इशू है नोएडा एक्सटेंशन के अंदर जो बहुत कॉमन देखा गया है। बहुत सारे डेवलपर्स लॉन्च तो करते हैं बट बना नहीं पाते हैं, बट सिनारियोज बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं। बिकॉज इनिशियली अगर आप देखेंगे तो किसी को भी नोएडा एक्सटेंशन में बिल्डर बनना होता था तो उसे 5 या 10% पे लैंड एलोकेशन हो जाती थी, बट आज के टाइम पे 100% पेमेंट के बाद ही लैंड एलोकेट हो रही है। इसकी वजह से यहाँ पर जो बेंचमार्किंग है, जो पर स्क्वायर फीट प्राइस है, वो अप्रॉक्सीमेटली 5500 से 6000 रुपये पर स्क्वायर फीट हो गया है। सो इसकी वजह से ये पूरा जो सेगमेंट है नोएडा एक्सटेंशन वो अफोर्डेबल कैटेगरी से बिल्कुल बाहर हो चुका है। जो लोग अभी भी हाउस हंटिंग कर रहे हैं, स्टे सब्सक्राइब सो दैट आपको रेगुलर इंटरवल्स पे कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन मिलती रही कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा प्रोजेक्ट सही है आपके लिए। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।